नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। एक विचित्र प्रस्ताव देते हुए हिंगोली के गोरे गांव के कर्ज से प्रभावित कम से कम 10 किसानों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके शरीर के अंगों को बेचने और स्थानीय बैंकों से बकाया ऋण की वसूली करने के लिए कहा है। किसानों ने सीएम को एक पत्र लिखकर अपनी आंखें, लीवर, किडनी और अन्य अंग बेचने की पेशकश की है, जिससे प्राप्त आय का उपयोग उनके लंबित बकाया को चुकाने के लिए किया जा सकता है। इस चौंकाने वाले कदम पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार और शिवसेना के किसान नेता किशोर तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं बता दें कि एक हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक ने बताया कि हमने सीएम को संबोधित ज्ञापन सेनगांव तहसीलदार और गोरेगांव पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है और इसे सीएम तक पहुंचाने का अनुरोध किया है। उन्होंने हमारे संचार को स्वीकार कर लिया है, लेकिन आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अधिकारियों की सहायता करने के लिए किसानों ने अपने कीमती शरीर के अंगों के लिए एक रेड कार्ड भी जारी किया है। बता दें कि 90,000 रुपए प्रति लीवर, 75,000 रुपए प्रति किडनी और 25,000 रुपए प्रति आंख कवर के ने कहा कि अब पत्नियां, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी बैंकों और निजी ऋणदाताओं के लगातार उत्पीड़न से बचने के लिए अपने शरीर के अंगों आदि को त्यागने के लिए स्वेच्छा से आगे आए हैं। वहीं जाधव मूले और अन्य ने दावा किया है कि यह सिर्फ शुरुआत है। हिंगोली और पड़ोसी जिलों के हजारों किसान आगे आकर अपना कर्ज चुकाने और शांति से जीने की उम्मीद के लिए अपने शरीर के अंगों को बेचने की योजना भी बना रहे हैं। अपनी निराशा बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां के किसान कपास और सोयाबीन की खेती करते हैं, लेकिन इस साल मौसम की समस्याओं और खेतों में खड़ी फसलों पर बीमारियों की मार के कारण लगभग 80% फसल बर्बाद हो गई है। परेशान किसानों ने बताया कि गंभीर नुकसान के साथ खरीफ सीजन व्यावहारिक रूप से नष्ट हो गया है और अब किसानों के पास चालू रबी सीजन की बुआई के लिए पैसे या संसाधन नहीं है। वहीं आगे बताया कि फसल बीमा या यहां तक कि सरकार की ऋण माफी की बड़ी घोषणा के रूप में कोई मदद नहीं मिल रही है। कोई उचित मूल्य निर्धारण तंत्र या न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। हमारी खेती की लागत आय से दोगुनी है। अब जीवित रहना असंभव हो गया है। हमारे पास अपने शरीर के अंगों को बेचने और कर्ज चुकाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।